तो ये था बाराबंकी में गांव वालों का मूड क्या कहता है, हमने आपको बता दिया भाई रास्ता इतना आसान नहीं है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं शहर की ओर, पता लगाते हैं कि बाराबंकी सदर सीट पर लोगों का मूड क्या कहता है। यूपी का मूड क्या है ये जानने के लिए बाराबंकी शहर में मौजूद है हम। शहर वालों के मुद्दे अलग हैं और वो हैं क्या, और यहाँ की जनता मूड क्या बनाती है, चलिए जानते हैं बाराबंकी का मूड कैसा है 2022। हम तो कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। पेट्रोल महंगा पड़ा और क्या? महंगा पड़ रहा है और क्या, सस्ता होना चाहिए। हाँ, जिसे पिछली सरकारों में सस्ता था उसी तरह से होना चाहिए। आएगा इस बार? अरे अब की आएगा, अखिलेश भैया आएंगे और क्या। हाँ पक्का आएंगे 100%। अखिलेश की है जहाँ तक। जहाँ तक शहर वालों में यही बातचीत चल रही है कि बीजेपी का माहौल है? बीजेपी का माहौल तो है लेकिन सरकार जो है अखिलेश की ही बने। योगी और मोदी की जोड़ी कोई तोड़ने वाला है नहीं। पहली बात, योगी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। कमल इस बार नहीं है। कमल इस बार नहीं है, आपको लग रहा है? पूरा शहर में क्या बातें चल रही है? ज्यादातर इस समय साइकिल निकल रही है। अखिलेश यादव आ रहे हैं। एकदम पक्का है? कितनी सीट है बाराबंकी में? 6 सीट है टोटल। कितनी साइकिल, कितनी कमल? अब उसका सर मौका बताएगा इस समय क्या कहा जाए। कहा भैया आप क्या बताएंगे? जो बता रहे वही बताएंगे। वही बता रहे वही बताएंगे। सर आपको क्या लग रहा है, कितनी साइकिल कितनी कमल बाराबंकी का मूड? साइकिल आ रही है। साइकिल है। किसकी खुशियों की डिलीवरी होगी 2022 में? जी मैम बिल्कुल होगी। किसकी, सपा की या भाजपा की? अरे मैम होगी वो, लेकिन ये कैसे कहते हैं हम किसकी होगी मैम। अरे तुमको कौन ठीक लगा है? हमको तो योगी जी ठीक लगे हैं फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए योगी जी ठीक लगे। जी मैम। बाराबंकी में कितनी सीट होगी योगी जी की और अखिलेश की? अरे मैम ये तो हम कंफर्म कह नहीं सकते लेकिन ठीक ठाक हमें तो लग रहा है, ठीक ठाक ही रहेगा मामला। लड़ाई रहेगी इस बार? हाँ लड़ाई रहेगी मैम। मजेदार है यूपी इलेक्शन बाराबंकी में? हाँ बिल्कुल मजेदार तो है, झक्कास है की बार। कुछ जाए बाराबंकी के मुद्दे क्या रहे हैं, काम हो विकास हो, यही मुद्दे हैं। सर देखिए मुद्दे नहीं पता हो ना तो कोई भी पार्टी जीतने के लिए तैयार हो जाती है। आपको क्या लग रहा है सर बाराबंकी की अगर बात करें 2022 में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा वैसे तो फिलहाल हमें समाजवादी पार्टी के पास तो कुछ नहीं दिख रहा है। और रही बात विकास की तो कोई बात है नहीं, बस हिंदू जातिवाद पे चुनाव है कुल मिला के, हमें तो ये दिख रहा है। अभी कोई पता नहीं है। अच्छा 5 साल का ही काम धाम कैसा लगा? 5 साल का बढ़िया काम है। बढ़िया काम है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत नहीं हुई? नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। मान के चले कि आप किधर चलेंगे? जिधर सब कोई चलेगा उधर हम भी चलेंगे। देखते हैं इस बार से जोर तो साइकिल पे जा रहा है इस बार जी सपा में। सर बीजेपी आ रहे हैं? बीजेपी आ रहे हैं भैया, साइकिल की हवा कह रहे हैं। मानसिकता है अलग, हमारी मानसिकता अलग है ना। अब आप कितनी संख्या में हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है? नहीं मैं अपनी अपनी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। समाजवादी पार्टी पाँच हो गए जी। हम लोग वोटिंग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। वजह क्या है? इसने कुछ नहीं, 5 साल का विकास देख लिया हम लोगों ने, विकास ने अभी जन्म नहीं लिया, ये वजह है। साइकिल के आते ही विकास फल फूल के बड़ा हो जाएगा? बिल्कुल होगा, उससे पहले विकास नहीं हुआ क्या? क्यों हुआ जब विकास हुआ था? बदलाव देखिए, जनता कहीं ना कहीं हर पार्टी से रुष्ट होती है और अपना निर्णय उनका होता है। इनको जिता के हम लोगों ने देख लिया, हम सबने वोट दी पर बिल्कुल दिया था 2017 में पूर्ण बहुमत से, लोग सारे लोग जुड़े थे इनके साथ, पर अब नहीं क्योंकि इनके विकास के वादे खोखले हैं, धोखे हैं और कुछ नहीं।